वेल, आज हम किसी एक गेम के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम तुम सबको टॉप 5 ऐसे गेम के बारे में बताएंगे जो आप सबको बेशक खेलना चाहिए, जिसमें से कोई गेम अपना ग्राफिक की वजह से फेमस है या अपने 1v1 फाइटिंग और अपने कमाल की स्टोरी की वजह से इतना फेमस है। और हाँ, इसमें से लगभग बहुत सारे गेम पर मैं ऑलरेडी डिटेल पे वीडियो निकाल चुके हैं। तो तुम सबको ग्राफिक, स्टोरी, फाइटिंग ये चीज एक गेम के अंदर मिल जाए तो वो एक टॉप लेवल का गेम होता है, जो अभी हम तुम सबको बताएंगे। बट ऐसा नहीं कि टॉप 1 पे जो गेम है उसी को तुम सबको खेलना चाहिए, बल्कि हम जो टॉप 5 को चुने हैं उनमें से ऐसा कोई भी गेम नहीं जो तुम सबको डिसअपॉइंट कर दे। तो चलो अब बढ़ते अपने मेन टॉपिक पे। लेकिन अपने टॉप 5 पे आने से पहले तुम सबको हम एक गेम के बारे में बताना चाहते हैं, जिस पर डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे। बट टॉप 5 को खेलने से पहले तुम सबको ये गेम खेलने का मन करो तो तुम सब ये गेम को खेल सकते हो, नहीं तो ये पार्ट को स्किप कर सकते हो। तो चलो अब ये गेम के बारे में जान लो। तो ये गेम एक एनिमे पे बेस्ड है जिसका नाम है माय हीरो एकेडमिया। बट इसका गेम को रिलीज हुए 2 साल कम्प्लीट होने वाला है, जिसमें से ये गेम का ग्राफिक अपने बाकी गेम का ग्राफिक से बेटर ही है, जिसका नाम है माय हीरो अल्ट्रा रंबल, जिसको बंडाई नामको एंटरटेनमेंट द्वारा बनाया है, जो स्टोरी पे चलेगा, जिसमें से माय हीरो एकेडमी के सारे कैरेक्टर आपको मिलेंगे। और ये गेम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका मतलब कि ये गेम खेलने के लिए कोई मनी पे नहीं करना है। और ये गेम आप सबको पीसी, PS4, Xbox साथ निंटेंडो स्विच में मिलेगा, और उसके साथ 6GB स्टोरेज मिलेगा, जो इस गेम को बेटर बनाता है। लेकिन अभी इस गेम के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें जाके देख लेना। बट अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन इनफ रहेगा कि तुम सब ये गेम को खेलो। तो चलो अब बढ़ते अपने टॉप 5 पे। तो ये गेम का नाम है जुजुत्सु कैसन कर्स क्लैश, जो जुजुत्सु कैसन एनिमे पे बेस्ड है। बट ये गेम स्टोरी पे नहीं चलेगा, इसमें आप 2v2 किसी का ही फाइट करा सकते हो, जैसे यूजी तादोरी वर्सेस सातोरो गोजो, रोमन सुगुरा वर्सेस यूजी तादोरी, और जेजेके वर्स का 2 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर सातोरो गोजो वर्सेस रोमन सुगुरा भी करा सकते हो। और बस फाइट के साथ आप इन सब का पावर यूज कर सकते हो, जैसे यूजी तादोरी का ब्लैक फ्लैश, मेगुमी फुशिगो का कर्स मॉन्स्टर, और उसके साथ आप इसमें डोमेन एक्सपेंशन को भी यूज कर सकते हो, जिसका तुम सब सोच रहे हो उसका भी तुम सब इसमें पावर यूज कर सकते हो। आप इसमें रोमन सुगुरा का मैरिड सैन के साथ सातोरो गोजो का अल्टीमेट वर्ड यूज कर सकते हो, और डोमेन क्लैश भी करवा सकते हो। बट ऐसे तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाए और उसमें ये दोनों का डोमेन क्लैश को भी दिखाया, बट तुम सबके लिए फिर से ये दोनों का डोमेन क्लैश को तुम सब एंजॉय करो, और उसके बाद हम सब बढ़ते अपने टॉप 4 पे। Domain expansion. Malevolent shrine. तो अब बढ़ते हैं अपने टॉप 4 पे। तो ये गेम का नाम है डीमन स्लेयर किनेत्सु नो मा दी हिनोकामी कॉमिकल्स, इसको शॉर्ट में बोले तो डीमन स्लेयर दी हिनोकामी कॉमिकल्स, जो डीमन स्लेयर एनिमे में बेस्ड है, जिसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाए। बट तुम सबको ये गेम के बारे में अच्छे से जानना होगा तो तुम सब वो वीडियो जाके देख सकते हो, नहीं तो हम इस वीडियो में इसके मेन टॉपिक बता देते हैं जो तुम सबको ये गेम खेलने में काम देगा। तो ये गेम को बनाया साइबर कॉन्टैक्ट 2 ने, जो डीमन स्लेयर के गेम पे $15 मिलियन इन्वेस्ट किया है, जो पूरा वर्थ है, बिकॉज अभी तक ये गेम अपने बजट से 3 गुना ज्यादा कमा चुका है, जो डीमन स्लेयर के फैन फॉलोइंग को दिखाता है। बट अब इसके स्टोरी के बारे में भी जान लो। तो इसका स्टोरी तांजीरो और साबितो का फाइट्स होता है, जिसके बाद तांजीरो और साकोजी युरोकोदाकी जो फर्स्ट वाटर हसीरा होते हैं, बट अभी वो तांजीरो का मास्टर है, जो उसको डीमन स्लेयर बनने का ट्रेनिंग देते है ताकि वो डीमन स्लेयर कोर्स के टेस्ट में पास हो जाए। आई नो कि तुम सबको लग रहा है कि हम इसका स्टोरी इसके एनिमे पे बता रहे हैं, बट इसका पूरा स्टोरी इसके एनिमे पे है, और जो डीमन स्लेयर देखे होगा उन सबको इसका पूरा स्टोरी पता होगा। बट अभी तक इसका स्टोरी डीमन स्लेयर मेगेंटेन आर तक गया, जिसमें अपना फायर एशिरा क्यूजर रिंगू को अपर रैंक 3 अकाजा से हारने के बाद इसका स्टोरी वहीं पे एंड होता है, बट आगे स्टोरी इसका बढ़ेगा। तो चलो इस गेम के बारे में और कुछ जानना हो तो इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, तुम सब जाके उसको देख सकते हो। लेकिन अभी बढ़ते अपने टॉप 3 पे। तो इसमें हम 2 गेम का उन्हें बताएंगे जो दोनों अनरिलीज्ड है, जिसका नाम है काइजू नंबर 8 डी गेम और ब्लीच रिवर ऑफ सोल, जिन दोनों का अभी तक अनाउंसमेंट रेल आया। बट ये दोनों का अनाउंसमेंट रेल के हिसाब से मेरे माने तो टॉप 3 का लायक है ये दोनों गेम। और ये दोनों का डेवलपर का नाम है अक्सटोरी गेम, जिसने काइजू नंबर 8 डी गेम को बनाया, और बंदाई नामको एंटरटेनमेंट, जिसने ब्लीच रिवर ऑफ सोल के साथ माय हीरो अल्ट्रा नंबर को बनाया है। बट ये दोनों में बहुत अंतर है, जैसे काइजू नंबर 8 डी गेम
पीसी के साथ मोबाइल में भी आएगा और दूसरी तरफ ब्लीच रिवर तो अपसोर पीसी PS4 PS5 के साथ एक्सबॉक्स में भी आएगा। बट मेरे माने तो ये दोनों गेम में से काइजू नंबर 8D गेम को आप सब ज्यादा पसंद करेंगे। और ये मत समझना कि हमको ब्लीच रिवर तो अपसोर पसंद नहीं है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि काइजू नंबर 8D गेम ज्यादा खेलोगे क्योंकि वो गेम मोबाइल में आएगा और बहुत लोग पीसी ज्यादा मोबाइल में गेम खेलना पसंद करते हैं। लेकिन अब तो ये गेम रिलीज होगा तभी पता चलेगा और इसका रिलीज डेट अभी तक आया नहीं है बिकॉज अभी तक ये दोनों गेम में काम हो रहा है। लेकिन ये दोनों गेम जब रिलीज होगा तब हम शॉर्ट में तुम सबको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन अभी के लिए मेरे पास ये दोनों का इतना ही इन्फॉर्मेशन है। बट अब बढ़ते अपने टॉप 2 पे, तो इसमें भी हम कोई एक गेम के बारे में नहीं बताएंगे बिकॉज ये दोनों गेम टॉप लेवल का गेम है जिसका नाम है सोल लेवलिंग एराइस और ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो। और ये दोनों ने सर्वर ब्रेक किया जब इसके एनिमे आया था, बट ये दोनों में और टॉप 3 में कुछ सिमिलैरिटी ये दोनों से मिलता है। जैसे सोल लेवलिंग एराइस अपने स्टोरी की वजह से इतना अच्छा रहा बिकॉज उसका स्टोरी उसका एनिमे से सिमिलर नहीं है जैसे डीमन स्लेयर गेम में था। और ये गेम भी काइजू नंबर 8D गेम जैसा मोबाइल में भी है और उसके साथ पीसी में भी है। लेकिन ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो अपना फाइटिंग एनिमेशन और उसका ग्राफिक वजह से इतना फेमस है, लेकिन तुम सब ये मत सोचना कि इसका फाइटिंग एनिमेशन जुजुत्सु कैसेन कर्स क्लैश जैसा है। और इसको हम बोल के कि तुम सब इस चीज को एंजॉय करो। हाँ, आप तो पता चलिए कि ये गेम टॉप 2 के लायक क्यों है, लेकिन इसको तो टॉप 1 पे होना चाहिए। बट जो टॉप 1 पे जो गेम है उसके सामने ये सारे गेम जिसके बारे में अभी तक हम बताए उन सब से उसका ग्राफिक स्टोरी फाइटिंग एनिमेशन टॉप लेवल का है। बट टॉप 1 पे आने से पहले टॉप 2 के बारे में भी कुछ जान लो। तो ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो पीसी और PS5 में खेलने को मिलेगा और उसके साथ आपको इसमें ड्रैगन बॉल के 164 कैरेक्टर मिलेंगे। और अभी इसमें और भी कुछ ऐड हो रहे हैं, जैसे अभी तक इसमें गोहान को ऐड नहीं किया था बट अभी के लिए इसमें अल्टीमेट गोहान को ला दिया। लेकिन तुम सबको स्पार्किंग जीरो के बारे में और कुछ जानना होगा तो इसके ऊपर हम 2 डिटेल वीडियो बनाया, तो तुम सब जाके उसको देख सकते हो। और अब बढ़ते हैं अपने सोल लेवलिंग एराइस पर जिसको नेट डेवलपर ने 100 मिलियन $100 में बनाया जो लिटरली आपको मोबाइल का गेम लगेगा ही नहीं बिकॉज इसका ग्राफिक मोबाइल का गेम से बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बारे में हम पहले से डिटेल वीडियो बनाया तो तुम सब उसको जाके देख सकते हो। बिकॉज अब बढ़ते हैं अपने टॉप 1 पे जिसके लिए तुम सब इतना वेट कर रहे थे। तो ये गेम का नाम है ब्लैक मिथ वोकोंग जो अभी कुछ दिन पहले इंडिया में रिलीज हो गया है। और जब से आया तब से अपना कमाल का स्टोरी के साथ अपना ग्राफिक से ये गेम खेलने में मजबूर कर रहा है बिकॉज इसको ग्राफिक में 15 मिलियन $15 लगे हैं जो इस गेम के लिए बहुत कम है। लेकिन गेम साइंस ने इस गेम पे बहुत ध्यान से मनी इन्वेस्ट किया है तभी तो इसका ग्राफिक एक मूवी जैसा लग रहा है या मूवी से भी रियल लग रहा है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से अच्छा तुम से भी ये गेम का कुछ झलक देख लो। हाँ, तो ये गेम पीसी और PS5 में खेलने को मिलेगा और ये गेम 20 अगस्त 2024 को रिलीज हो गया है, तो तुम सब जाके ये गेम को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ये तो मेरा टॉप 5 था, बट तुम सबको ये सारे गेम में से कौन सा गेम टॉप 1 पे लगता है? बट मेरा तो हो गया। लेकिन तुम सबको ये सारे गेम में से कोई भी गेम का बारे जानना होगा तो इन सारे गेम पर हम पहले डिटेल वीडियो बनाया है बस माई हीरो अल्ट्रा नंबर को छोड़ के। लेकिन तुम सबको ये सारे गेम का डिटेल वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो तुम सब जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी कुछ डाउट होगा इन सारे गेम में से तो कमेंट कर देना।